नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर झा आप सभी को अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का आंसर की लेकर आया हूं, जो कि सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। मेरे पास जो प्रश्न पत्र है उसका सेट कोड H है। आप लोगों के पास जो भी सेट हो वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं। मैंने जो आंसर दिया है इसमें 100% ट्रू है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रश्न में डॉट लगता हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा। और जो सही होगा, अगर आपका सही होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, अगर आपका गलत होगा वो भी बता दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को जहां तक हो शेयर करें। सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, उसका आंसर की देने जा रहा हूं। फर्स्ट शिफ्ट का आंसर दे चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां से आंसर मिला सकते हैं। चलिए तो आंसर देता हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो इसका ऑप्शन ए है घोड़े की तरह, ऑप्शन बी है सांप की तरह, ऑप्शन सी है शेर की तरह, ऑप्शन डी है नर्तक की तरह। इसका राइट आंसर होगा सांप की तरह, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में सात तारे जगमगा उठे? पहला ऑप्शन है शीतल पार्टी की, दूसरा है मोढ़े की, तीसरा ऑप्शन है चीख की, और चौथा ऑप्शन है छतरी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, चीख की। तीसरा प्रश्न है, मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है पत्थर, बी में दिया हुआ है कंकर, सी में दिया हुआ है रसगुल्ला, और डी में दिया हुआ है बूंदिया। डी इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दुनिया का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखिए, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है स्वर्ग, यही राइट आंसर इसका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन समास है? तो नील कमल में कर्म धारय समास होता है, सॉरी, नील कमल में कर्म, हाँ, नील कमल में कर्म धारय समास होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आठवां प्रश्न है, कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अधजल गगरी छलकत जाए क्या है? तो अधजल गगरी छलकत जाए ये लोकिकतियां है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मुहावरा और लोकिकतियां में अंतर होता है। लोकिकतियां बोलचाल की भाषा बन जाती है और वो खुद कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट करती है, लेकिन मुहावरा कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दसवां प्रश्न है, राम घर जाता है कैसा वाक है? तो यह सरल वाक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा? यह लाइन किनके द्वारा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा खेमा के पिता के द्वारा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नियति का अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नियम, तो नियति का अर्थ होता है नियम, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, याचकों के लिए कौन कल्प तरु थे? याचकों के लिए कौन कल्प तरु थे? तो इसका राइट आंसर होगा निराला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स?
तो सचिवालय में लिखा हुआ था, जननायक कर्पूरी ठाकुर से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ क्या है? तो पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ कविता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ईदगाह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? तो बीमा एजेंट्स के, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था, तो इसका राइट आंसर होगा रसेल से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमें नहीं होना चाहिए, तो हमें नहीं होना चाहिए, तो पहला बात ऑप्शन है दयालु, ये तो होना ही चाहिए, राइट आंसर है। दूसरा है कमाऊ, ये तो ये भी ठीक है। तीसरा ईर्ष्यालु, तो ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से हमें जलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं? तो पंक्षी के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कमल की कोमल डंठल को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मृणाल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भगवत विभूतियां किन्हें खूब मिली थी? तो इसका राइट आंसर होगा निराला जी को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में है तो मीनाक्षी मंदिर नहीं है, स्वर्ण मंदिर नहीं है, बेलूर मठ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केवरा गुलाब खस रात रानी आदि नाम होते हैं, तो अगरबत्ती का खुशबू रचते हैं, हाथ से लिया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे, तो जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं और शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, तो यह शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे कह रहा है प्रश्न, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माँ मुझसे रोटी बनवाती है, तो माँ मुझसे रोटी बनवाती है यानी कि किसी के द्वारा काम करवाया जाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचारिका स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है, क से म तक के 25 वर्णों को कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन य र ल और व को कहा जाता है, इसीलिए इसीलिए इसका आंसर ए नहीं होगा, य र ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है उष्ण व्यंजन, तो उष्ण व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को कहा जाता है, इसीलिए उष्ण व्यंजन भी नहीं होगा। वर्गीय व्यंजन ऑप्शन सी, तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा सी वर्गीय व्यंजन। और हर्ष स्वर तो पता ही होगा, अ हर्ष ई हर्ष उ और री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन कारक कहते हैं? तो जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? तो इसका राइट आंसर होगा कबीरपंथी मठ में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मवीर, जो कर्मवीर होते हैं वे जंगल में भी मंगल महामंगल रचा देते हैं, जो कर्मवीर होते हैं वो किसी भी बाधा को पार कर लेते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा कर्मवीर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लोहे के चने चबाना क्या है? तो लोहे के चने चबाना ये मुहावरा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो कार्तिक से शुरू होकर फागुन तक चलती थी, ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं शताब्दी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वयं पकड़ में आना अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा आत्म परिवर्तन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 38, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा, तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अशोक का शस्त्र त्याग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिक ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुधा पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलों हरबोलों के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी, तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे कहते हैं, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे लावारिस कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा का चक्कर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लुकमान नाम था एक, तो इसका राइट आंसर होगा हकीम का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की वाणी में होजू प्रवीण ने, तो इसका राइट आंसर होगा सुदामा से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सुदामा से कहे हुए थे कृष्ण भगवान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध शब्द को चुनना है, तो परीक्षा यही अशुद्ध है, परीक्षा में रौद्रीकार होता है और इसमें हर्षीकार है, तो अगर ए और बी ऑप्शन को भी अगर विद्यार्थी ठीक से देखे तो सही आंसर दे सकता है, क्योंकि इसमें दीर्घ ई है, इसमें हर्षी है, ये करेक्ट है। वैसे जिस बच्चे का प्रश्न है उन्होंने ये ऑप्शन बी दिया हुआ है, गलत हो गया उनका। अगला प्रश्न है, 47वां, सु उपसर्ग से बना शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा सुमार्ग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थोड़ा दूध, यहाँ थोड़ा कैसा विशेषण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका सही आंसर होगा परिमाण बोधक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर सकते हैं। 52वां प्रश्न है, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहा करते थे। अगला प्रश्न है, 53, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है, तो ये हास्य व्यंग है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कबीर के पद के रचनाकार कौन है, तो इस कबीर के पद कबीरदास के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई, तो 3 रुपया बताए थे कुल
कुल दांत उपाड़ने का 96 रुपया, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा एक डैश, इसका सही आंसर होगा हिरन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, तो ईदगाह के पास इमली के वृक्ष की छाया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमीर का विलोम क्या है, तो अमीर का विलोम होगा गरीब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मूसलाधार शब्द का प्रयोग होता है, तो मूसलाधार शब्द का प्रयोग होता है वर्षा के लिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये रहा आज के द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का 60 प्रश्न का आंसर, सेट एच का मैंने आंसर दिया है, और आप लोग इसी क्वेश्चन से सभी सेटों का आंसर मिला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करें, धन्यवाद।